तो हे दोस्तों, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं आप सभी से, ये बोलने जा रही हूँ कि आज मेरा जा रहा है, मैं जा रही हूँ आज गोरखपुर पूरी फुल बॉडी चेकअप करवाने, क्योंकि मेरी जो है ये चक्कर आना, बीपी हाई लो, बेहोश हो जाना और कमर से लेके पैर तक दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब 24 घंटा मतलब कंटिन्यू दर्द में रहना, तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान कर दिया है। तो डॉक्टर बोले हैं कि एक बार एक्सरे और पूरे बॉडी में चेकअप करा दीजिए, ताकि हम उस हिसाब से दवा चलाएं, वरना पता चला कुछ और हो और हम लोग दवा कुछ और चीज़ का चला रहे हैं, इसीलिए दवा सूट भी नहीं कर रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ गोरखपुर। और गोरखपुर पहुँच के चेकअप जो हो जाता है, उस हिसाब से मैं आप सभी को रिपोर्ट ज़रूर बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या निकला है। और एक बात आप सभी से बताना चाहती हूँ मैं दोस्तों, कि बहुत ऐसे अपने भी हैं जो कि मुझे रोता हुआ देखना चाहते हैं, और बहुत मेरे ऐसे अपने पराए भी हैं जो मुझे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। और मैं आप सभी से एक बात बोलूँगी कि इसमें 1.5 महीने से 2 महीना होने आ रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग मुझे हंसता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मुझे हंसता हुआ दिखाना पसंद है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमेशा रोए और आप सभी भी डिस्टर्ब हो। मैं भी तो डिस्टर्ब हुई, लेकिन मेरी वजह से आप सभी परेशान हो, इसीलिए मेरा वीडियो ही बहुत कम आ रहा है। बस कुछ अच्छा अच्छा वीडियो हो जा रहा है तो ही अब मैं डाल रही हूँ, बाकी रोज़ मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ या फिर परेशान हूँ या दर्द में हूँ, क्या है वो तो मैं जान रही हूँ। और एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे पापा मुझे कितना मानते थे, कितना क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो मैं जान रही हूँ। और कुछ अपनों से या कुछ पराओं से मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो मेरे डैडी या मेरे पापा, मतलब मैं डैडी बोलती थी, मेरे पापा मुझे मानते थे, उसकी मुझे सर्टिफिकेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे मानते थे। और आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी, जिस दिन मेरे डैडी की ये खबर मिली ना, आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे, उस दिन सुबह सुबह से ही मैं जो हूँ परेशान कुछ ज़्यादा थी, और बाबू के पापा मैं, हम दोनों लोग इतना गले लग के इतना रोए, हम लोग इतना रोए, ये बोल रहे थे कि राजू क्यों आज तुम इतनी परेशान हो, हमके साहब पता नहीं क्यों, और मुझे डैडी का चेहरा आज भूल नहीं रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये वो टेंशन मत लो, बात कर लो, सब बोले। और उसके एक घंटे बाद सिंटू भैया का फ़ोन आया, तो उस समय ये खाना खिला रहे थे मुझे, बोले खाना दो, रोटी खा लो, कैसे भी कुछ भी खा लो। तो सिंटू भैया फ़ोन किए, कह राजू क्या कर रही हो, हमके भैया खाना खा रहे हैं अभी, और सुबह थोड़ी सी परेशान थे, बस अभी खाना खाने बैठे हैं। तो बोले जैसे खाना खा लो ना, वैसे मुझसे बात करना। और उसके बाद ये खबर मिली मुझे। और मैं फिर भी वही कहना चाहूँगी कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह इंसान क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कह रहे हैं लोग, क्या क्या सुन रहे हैं लोग, वो तो या तो मैं जान रही हूँ या तो मेरे पापा जाने। और सुखी बस एक ही चीज़ कहूँगी मैं आप सभी से, बस ये कहना चाहूँगी। एक आह भरी होगी मैंने नसुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त यही तारों धीरे से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई,
तो दोस्तों इसके बाद मुझे बोला नहीं जा रहा था, ये 2-3 दिन पुराना वीडियो है और आज हिम्मत करके मैं बोली हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी ना दोस्तों कि जिस पर बीतती है ना बस वो ही समझ सकता है, दूसरा कोई समझाएगा यहाँ वहाँ की बातें बोलेगा, लेकिन जिस पर बीती है ना बस वो उस चीज़ को फील कर सकता है कि हाँ मैं इस समय किस दौर से गुजर रही हूँ और क्या क्या मेरे साथ हुआ, किस कंडीशन तक पहुँची हूँ मैं, वो बस मैं जान रही हूँ। और यहाँ पे सब्जी रोटी जल्दी जल्दी बना ली क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा, गोरखपुर हम लोग के यहाँ से बहुत ही दूर है। तो बाबू के लिए, बाबू के पापा के लिए, अपने लिए, सबके लिए हम कहें 2 रोटी नाश्ता करके ही निकलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब्जी रोटी बना ली हूँ, यहाँ बाबू मुझे समझा रहा है। बाबू भी कह रहा था मम्मा आप हमेशा हंसने वाली और आप इतना क्यों रोती हैं आप, तो बाबू भी मेरा समझा रहा है मुझे कि मम्मा आप परेशान ना हो। लेकिन अब उसको मैं क्या बताऊँ। तो चलिए दोस्तों जैसा भी होगा रिपोर्ट में जो आएगा वो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी और क्या निकला है वो भी बताऊंगी, क्योंकि आप ही मेरे परिवार हैं और आपसे नहीं शेयर करूंगी तो किससे शेयर करूंगी, तो ज़रूर बताऊंगी मैं कि मुझे YT पे ना इतने अच्छे परिवार मिले हैं कि पैसा आए ना आए उसकी मुझे कोई फर्क नहीं, बट जो YT परिवार मिले हैं ना मैं बस उसी में खुश हूँ और बहुत तसल्ली है। अगर मैं थोड़ी सी रो लूँ या फिर कुछ मेरी ऐसे कुछ कुछ बातें ऐसी पर्सनल है जो मेरी YT फैमिली कुछ कुछ लोग जानते हैं और समझाते भी हैं कि मैं हूँ, आप बिल्कुल ये मत लो, टेंशन मत लो। लेकिन जब एक बेटी अनाथ होती है ना, मैके में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं था मेरा, जब एक बेटी अनाथ होती है ना कहना था मुझे दोस्तों। और चल रही हूँ मैं जो है, देखिए जैसा रिपोर्ट आएगा, वैसे तो शरीर मेरा बहुत ज़्यादा काँप रहा है और परेशान भी हूँ, एक होता है ना सोच सोच के जी घबराता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कभी नहीं हारती हूँ, ना मैं कभी हारी हूँ और ना मैं कभी हिम्मत हारूँगी। मैं आप लोग से बोल भी नहीं पा रही हूँ, कोई ना। तो है दोस्तों आप सभी अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा और लाइक करने को मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मुझे लाइक के लिए नहीं ये वीडियो बनाई हूँ मैं, लेकिन आप सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा जरूर। तो है दोस्तों अभी भी ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि जब से मैं सुनी हूँ कि गोरखपुर जाना है चेकअप कराने, तब से मैं सोच रही थी कि रिपोर्ट में क्या आ गया, रिपोर्ट में ये ना आ जाए, रिपोर्ट में क्या ना आ जाए, तो बहुत ज़्यादा ही डर रही हूँ मैं रिपोर्ट को लेके।